वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान अख्तर। डॉक्टर साहब का आपके साथ तारुफ तो हुआ है दूसरे सेगमेंट्स में। डॉक्टर साहब एक शायर हैं, एक मुसन्निफ़ हैं, 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और पेशे के अतबार से प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, साइको एनालिस्ट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाकी सब टॉपिक्स की तरह इक्वली इंटरेस्टिंग है और वो है ख्वाब, ड्रीम्स, ख्वाब, सपने। तो हम लोग आम तौर पे अपनी टॉक स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सलमान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। शुक्रिया। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ख्वाब क्या होता है? देखिए, आम जबान में, रोज़मर्रा की ज़बान में जब हम ख्वाब कहते हैं तो हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि एक आदमी सो रहा है, नींद में है, सो रहा है। सोते में उसको कुछ मंजर दिखाई देते हैं जिसमें कुछ एक्शन हो रहा है, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी हरकत। तो और वो हम जानते हैं साइंस से, आज की ब्रेन की स्टडीज से, कि रात में 4 बार ऐसा होता है। और अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मुझे तो ख्वाब आते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर इंसान को ख्वाब आते हैं। कम से कम 4 बार, कम से कम 10-15 मिनट रात में। लेकिन अक्सर लोगों को याद नहीं रहते। कुछ लोगों को ख्वाब याद रहते हैं, कुछ लोगों को ख्वाब याद नहीं रहते। वो फ़र्क ज़रूर है, उस फ़र्क के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि एक समझ लीजिए कि एक वीडियो क्लिप जैसी, एक मंज़र, एक कहानी, एक छोटा सा अफसाना सोते वक्त जो इंसान देखता है उसको हम ख्वाब देखते हैं। हालांकि अंग्रेज़ी भी ज़बान में तो देखिए लफ्ज़ ऐसा भी है कि ड्रीम और डे ड्रीम। तो ज़ाहिर है कि दिन में भी लोग ख्याल में खो जाते हैं, तो और फैंटसी में, तो वो एक तरह की अलग चीज़ है, वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग। ये सोते में रात में 3-4 बार एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से मंजर को देखना जिसमें खुद आदमी इन्वॉल्व। अच्छा, ये ज़रूरी है कि आप अपने ख्वाब में खुद इन्वॉल्व ज़रूर हो। हाँ, लेकिन इसमें आपने लव जो बोला, बहुत आपने जानबूझ के नहीं बोला, लेकिन है बहुत इसके अंदर कहानी। आपने कहा आप अपने ख्वाब में, जैसी ये एक अजीब और गरीब बात है। इसके बारे में डिटेल में बात नीचे जाके होगी। नीचे से मुराद है, देखिए किताबें लिखता हूँ ना तो पेज का ख्याल जहन में रहता, तो नीचे का मतलब था पेज के नीचे। यहाँ तो बात हो रही तो थोड़ी देर में। और वो ये कि क्या आदमी किसी और के ख्वाब भी देख सकता है? ये बात भी सोचनी चाहिए कि हर ख्वाब जो आप देखते हैं क्या वो आप ही का ख्वाब है या आप किसी और का ख्वाब देख सकते हैं। ये भी कमाल की बात है। मैंने परसों रात एक ख्वाब देखा जो मैंने अपनी बेगम को बताया, और उनका पूरा ख्याल है कि ये ख्वाब उनका था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अच्छा सलमान साहब, आते कहाँ से ये ख्वाब? ये ज़ाहिर एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, इसकी कहाँ जन्म कहाँ लेते हैं, रहते कहाँ हैं? देखिए, इंसान जब से इंसान ने सोचना सीखा है, ख्वाबों के बारे में क्यूरियोसिटी और ख्यालात तो कब से चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी फील्ड में, मेंटल हेल्थ की फील्ड में, साइकाइट्री की फील्ड में, साइको एनालिसिस की फील्ड में जो मेजर थिंग हुई है वो दो नोडल पॉइंट्स पे, एक साइकोलॉजिकल 1900 में, 1900 में, एग्जैक्ट 1900, और एक ब्रेन की स्टडीज़ की जो कि 60s में। तो एक ये जो 1900 की नोडल साइकोलॉजिकल सेमिनल स्टडी है, उस किताब का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो सिगमंड फ्रॉयड साहब ने लिखी। और ये जो लेट 50s एंड अर्ली 60s में REM, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप की जो डिस्कवरी हुई है और उसका एसोसिएशन ख्वाब से, ये डिस्कवरी दो आदमी थे, एक विलियम डिमेंट, और मैं पहला नाम भूल रहा हूँ, जिस दूसरे आदमी का नाम था एसरेनस की। तो ये दो लोगों ने इसकी डिस्कवरी की, रैपिड आई मूवमेंट की। ये एक फिजियोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी तो मेरी फील्ड नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ मैं। तो फ्रॉयड साहब का, हालांकि उनके, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ए फ्रॉयड वर्शिपर। कुछ लोग फ्रॉयड वर्शिपर भी होते हैं, मैं वर्शिपर नहीं हूँ। मैं आपको 13 बातें बता सकता हूँ जो उन्होंने गलत कही, लेकिन जब सही कही हैं तो अच्छी बातें भी कही। तो उनका एक अच्छा जुमला है कि ड्रीम कम्स फ्रॉम अबव
एंड ऑल्सो फ्रॉम बिलो। इसका मतलब है कि एक तो कुछ दिन में होगा और एक कुछ पहले हुआ है, इन दोनों से मिल के बनेगा ख्वाब। ये तो ये मेमोरी से कुछ कुछ यादें आपको जैसे जागते में आती हैं, ये उससे मुख्तलिफ कैसे हुए? सोने की सोते समय, सोते वक्त की जो यादें हैं वो ख्वाब हुए फिर तो? हाँ, वो तो ड्रीम फ्रॉम बिलो जी, दैट्स फ्रॉम बिलो, दैट मीन्स पहले हो चुकी है ऐसी कोई बात। और क्या होता है, देखिए हम आप पूरा एक दिन गुजारें, आज ही का दिन ले लीजिए, आप उठे 8 बजे, चूँकि शनिचर देर में उठे होंगे, 8, 8:30, 9 बजे जब भी उठे, और सोने जाएंगे 11 बजे रात में। इस दरमियान में 14 घंटे में बहुत सी बातें होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनका जहन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनसे एक तमन्ना पैदा होगी जिस तमन्ना पे आप एक्ट नहीं कर सकते हैं। वो तमन्ना चाहे एरोटिक हो, सेक्सुअल हो, या वो तमन्ना गुस्से की हो, या वो तमन्ना लालच की हो, या तमन्ना प्यार की हो, वो तमन्ना हिर्स व हसद की हो, या वो तमन्ना किसी चीज़ की भी हो, पूरे दिन में कोई एक छोटी सी तमन्ना पैदा होगी, वो तमन्ना जिस पे आप एक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्ट करने का दिल तो चाहा था। अब जैसे कि आप फ़र्ज़ कीजिए किसी कमरे में दाखिल हुए और वहाँ $1,000,000 कैश रखे हुए हैं, और वो जो मालिक हैं मकान के, वो कहते हैं मैं ज़रा नीचे से आता हूँ, आधे घंटे एक नीचे काम है, वापस आप तशरीफ रखें, तो दिल तो चाहेगा थोड़ा सा चुरा लें, इसको क्या पता, गिनती तो करेगा नहीं कम वक्त वापस आके। ये हो सकती है, या ये कि पता चला कि आपकी बीवी ने कह रखा है कि मसूद हरगिज़ गुलाब जामुन खाना बंद करो, अब पता चला आप हलवाई की दुकान के गली में से जा रहे हैं, सामने हलवाई की दुकान है, वहाँ देखा गुलाब जामुन का थाल रखा है, जी तो चाहेगा खा लें, बीवी को क्या पता चलेगा, दो खा लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी तमन्ना हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे वो गुस्से की हो, पता चला आपका बॉस है, उसने आपसे बदतमीजी की, जी मैं तो आया कि एक लगाऊं थप्पड़ साले के मुंह पे, लेकिन अब मार तो नहीं सकते, नौकरी है, तो नतीजे के तौर पर कोई छोटी सी तमन्ना, पैसिंग मोमेंट वेयर ए डिज़ायर गेट्स अवेकन्ड बट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ फियर, because of guilt, because of shame, because of danger, physical danger, because of samaji unacceptability, etc. तो वो तमन्ना डूब जाती है हल्के हल्के दिल में, ऐसे वक्त गुजरता है दिन का। लेकिन अगर उस तमन्ना की एक जुड़वा बहन बचपन में भी थी, तो ये दो तमन्नाएं रात में मिलती हैं जहन के तहखाने में, और ये जब दो हो जाती हैं बहनें तो ये मजबूत हो जाती हैं, तो आप कहते हैं हम चलते हैं। तो अगर ये आप हकीकत की तरफ चलेंगी और ये कहेंगी उठो चलो गुलाब जामुन खाने, उठो चलो पैसे चुराने, उठो चलो किसी को थप्पड़ मारने, तो आदमी तो आंख से खुल जाएगी, आदमी जाग सो नहीं सकता, क्योंकि एक तो उसे एक्शन करना है, दूसरे ये तो उसे ममनू था, उसके लिए प्रोहिबिटेड था, तो उसे एंग्जाइटी से जाग जाएगा। तो फ्रॉइड साहब का एक बड़ा अच्छा जुमला है, ड्रीम इज द गार्डियन ऑफ स्लीप, कि ख्वाब इसलिए आता है ताकि आप सो सकें। इसमें एक फिल्म रजिया सुल्तान का गाना याद आ गया, हमारे फादर कही है, और थोड़ा सा शायद गलत भी है लेकिन है मज़े का, वो ये है कि ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी, अब वही आके सुलाएगा तो नींद आएगी, लेकिन ख्वाब बनकर वो कोई आएगा तो नींद आएगी ये कैसे, ठीक है ना, क्योंकि नींद के बाद ख्वाब आता है, पहले थोड़ी आता है, तो ये ग्रामेटिकल एक चक्कर है इसमें। हालांकि कुछ फारसी ज़्यादा लोगों ने मुझ पर मेरी इस बात पर एतराज़ उठाया, उनका ख्वाब के और भी मतलब है, तो खैर वो तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला हर काम करता है उसमें कुछ मसलहत होती है, तो चलिए उर्दू शायरी में भी शायद बड़े शायरों को माफ़ कर देते हैं। हम आखिर में मुसलमान साहब कुछ शेर भी सुनना चाहेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया तो मुझे गालिब का भी एक शेर है वो, चलिए बाद में उसके बारे में, गालिब के बहुत अच्छे अच्छे शेर है। तो अब ये ख्वाब ऐसे बनता है, क्या हुआ कि एक तमन्ना और एक तमन्ना ये दोनों मिली, इनमें ताकत पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई, दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स एक्सप्रेशन बट दे रप्चर द स्लीप, सो नाउ ए पार्ट ऑफ द माइंड सेज ओके बच्चे पार्टी, हम तुमको ऐसा करते हैं, बहला देते हैं, हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी दिखाते हैं जिसमें तुम्हारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, लेकिन
थोड़े डिसगाइज में, थोड़े जो है डिसगाइज को मैस्करेड या डिसगाइज का क्या उर्दू होगी, भेष बदल के, हाँ, कि थोड़ी वही तमन्ना भेष बदल के पूरी हो जाए तो तुम भी खुश रहो और ये आदमी को भी सोने दो बेचारे को, इस तरह से बनता है ख्वाब। तो एक चीज हुई जिसको तीन लफ्ज हो गए इसमें, लेटेंट ड्रीम, लेटेंट ड्रीम है चलो पैसे चुराएं, चलो गुलाब जामुन खाएं, चलो किसी बड़े आदमी को थप्पड़ मारें, ये तो लेटेंट ड्रीम है। मैनिफेस्ट ड्रीम है जो आपने देखा, उसके बीच में है जिसको कहते हैं ड्रीम वर्क, जो कि मैकेनिज्म उसको लेटेंट ड्रीम को तब्दील करेंगे मैनिफेस्ट ड्रीम में। अब गुलाब जामुन का ड्रीम ले लीजिए, फर्ज कर लीजिए बीवी ने मना किया था आपको कि मिठाई मत ज्यादा खाया करो, तुम्हें डायबिटीज के करीब हो और हरगिज ये बंद करो, ये स्वीट टूथ है तुम्हारा, ये ठीक बात नहीं है तुम्हारे लिए। अब आप बीवी तो गई हुई है आपकी अपने मुल्क अपनी अम्मा से मिलने, आप पता चला मेरे घर आए और मैंने कहा ये मसूद साहब ये देखिए बड़े उम्दा गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी है और दोनों को साथ ही खाएं तो क्या मज़ा आ जाए, तो आपकी तमन्ना तो बढ़ेगी। अब आपने फ़र्ज़ की ये बीवी का सोच के और अपनी सेहत का सोच के नहीं खाई रात में, और बचपन में जब आप थे तब आप थोड़े गरीब थे और मोहल्ले में एक हलवाई की दुकान थी, उसके पास से गुजरते थे तो वहाँ अमीर लड़के खरीद खरीद के चीज़ें खाते थे, और आपका दिल जो है बेचारा महसूस के रह जाते थे। अब ये चीज़ और ये चीज़ मिली, अब ड्रीम आएगा। तो ड्रीम में ये नहीं होता, एक चीज़ एक है लैटिन अमेरिका के एक साथ थे एंजल गार्मा, तो उन्होंने लिखा है एक फ्रेज ड्रीम कावर्डिस, ख्वाब की बुजदली, कि ख्वाब बहादुर नहीं होते हैं, बुजदिल होते हैं थोड़े से। तो उसमें ये ड्रीम नहीं आएगा कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये ड्रीम आए तो आप जाग पड़ेंगे, ये नहीं होगा ड्रीम, क्योंकि वो तो मना है आपको देखना और सोचना। तो अब ड्रीम शायद ये आए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और एक आदमी गन्ने का को चबा चबा के चूस रहा है, तो कहें मैं नहीं हूं ये तो ये आदमी है, और गुलाब जामुन थोड़ी है तो गन्ना है तो नेचुरल चीज है, लेकिन मीठा तो आ गया ना मुंह के अंदर, उसके मुंह के में डाल दिया आपने, वो आदमी कोई नहीं है, वो आदमी आप ही का एक हिस्सा है, रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से ड्रीम्स बनते हैं। ये सलमान साहब जो बता रहे थे तो मैं सोच रहा था ये मैंने अभी बनाया है ड्रीम जी, ऐसे ही ड्रीम होते हैं। ये जो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं वो एक ख्याल को एक बिल्कुल डिफरेंट पराए में बयान करते हैं, तो ये तो एक तरह से आपका हर इंसान जो है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट छुपा हुआ है जो ख्वाब में अपने आप को इस तरह से सिंबल के थ्रू चीजें प्रेजेंट कर। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत उम्दा बात कही। ये रेयर होता है मेरे साथ कि मेरा जी चाहता मैंने कही होती, लेकिन है बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा बात है कि आप ही ने कभी कही हो। नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या है कि शायरों के बारे में, अफसाना निगारों के बारे में, नॉवल निगारों के बारे में फ्रॉयड ने एक जगह लिखा है कि ये दिल की बात कहता है, ऐसी दिल की बात जो लोगों के दिल में भी है लेकिन तलख है, मुश्किल है, कठिन है, नाकाबिल बर्दाश्त है, तो इसको कहता है ऐसे लगा के लच्छेदारी और खूबसूरती में सजा के। तो उसके लिए फ्रॉयड ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ही ऑफर्स एन एस्थेटिक ब्राइब टू द रीडर, कि एक फनकारी की रिश्वत, तो फनकाराना रिश्वत, तो वही बात जो आपने कही उसके करीब है। वेरी नाइस। तो एक तो आपने जैसा कहा कि नींद से बच जाएंगे, जागने से बच जाएंगे, वो एंजाइटी जो गुलाब जामुन की इतनी इंटेंस सोच से होती है उससे बच जाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा कैथार्टिक इफेक्ट भी होता है ख्वाब का? हाँ, एक तो ये जाहिर है कि अब आपका जब आपने देखा कि आप जो हैं गुलाब जामुन के कॉन्फ्लिक्ट में थे, आपने ख्वाब देखा कि आपके एक दोस्त भरत लूथरा साहब हैं वो गन्ने चबा चबा के चूस रहे हैं, अब आपने ये देखा, तो इसमें गन्ने की मिठास भी आपको ख्वाब में महसूस होगी और देखेंगे आप कि वो आदमी जो है गन्ने का जूस पी रहा है, ये सब कर रहा है, तो आपने अपने आप को तो इल्जाम से बरी कर दिया, आपने एक बनाया हेलुसिनेशन, एक दूसरे कैरेक्टर एक्टर को कुछ डायलॉग अपने दे दिए, तो यस उसमें रिलीज भी है, रिलीज भी तो है ना, ग्रेटिफिकेशन भी है, लेकिन डिस्गाइज ग्रेटिफिकेशन। ये मेन थ्योरी है सिगमंड फ्रॉयड साहब की ड्रीम्स के बारे में। देर आर टू और थ्री अदर थ्योरीज ऑफ ड्रीम्स दैट केम लेटर, एक्चुअली फ्रॉयड हैड अ सेकंड थ्योरी, दिस मच, दिस इज द मेन थ्योरी, देन देयर इज अ स्मॉल अनदर मैकेनिज्म एंड देन देयर आर टू अदर मैकेनिज्म्स। तो चार रास्ते हैं ख्वाब बनने के, ये मेजोरिटी रास्ता है, ये मेजोरिटी रास्ता है।
तो अगर आप एक अच्छे ख्वाब देखने वाले हैं तो शायद ये आपके लिए एक थेरेपिस्ट का काम कर रहा है ख्वाब एक तरह से, इन अ वे बिकॉज इट रिलीजेज द स्टीम जी, इट रिलीज है। इसीलिए आप ये देखिए, आपने बात यहाँ पे माइंड और ब्रेन के जंक्शन पे कर दी, वो ये कि दो तरह की स्लीप होती है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया आजकल सब जानती है, जिसको बोलते हैं नॉन REM और REM। नॉन REM में जो है आदमी का जिस्म मूव कर सकता है लेकिन आंखें मूव नहीं करती हैं। REM में आंखें रैपिडली मूव करती हैं लेकिन जिस्म पैरालाइज होता है। ड्रीम्स आते हैं REM में, वो ड्रीम स्लीप जो है जो चार बार होगी रात में, वो ड्रीम से रिलेटेड है। तो अब स्टडीज़ हैं कि अगर एक आदमी को नॉन REM डिप्राइव किया जाए और उसको ड्रीम देखने दें बगैर ड्रीम की स्लीप, उसको सोने न दें, कम वक्त को जगा दें बार बार, वो कितना चिड़चिड़ा और बदतमीज़ और पागल होगा, 10 दिन बाद पागल भी हो जाएगा। वर्सेज सिर्फ REM स्लीप को डिप्राइव करें और नॉन REM में सोने दें। तो इसमें 100% प्रूवन है कि ड्रीम का डेप्रिवेशन आदमी को जल्दी इरिटेबल और जल्दी पागल बनाता है। सही जी, सही। तो ड्रीम्स के कैथार्टिक फंक्शंस हैं, ड्रीम्स के ग्रेटिफाइंग फंक्शंस हैं, ड्रीम के और जब बात होगी तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शंस भी हैं जी। अब चूंकि हम इसी चीज के बारे में बात करें तो बताइएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन। देखिए, ड्रीम की 4 थ्योरीज हैं जी। एक मैंने आपको बताई जिसको बोलते हैं विश फुलफिलमेंट थ्योरी, यू नो, कि ख्वाहिश का पूरा करना। इसमें सिंपल ड्रीम्स भी होते हैं, बच्चों के ड्रीम सिंपल होते हैं, बाथरूम जाना है तो वो देखेगा मैं आई एम पीइंग, यू नो, सो सिंपल ड्रीम्स होता है। तो बट अडल्ट ड्रीम में विश फुलफिलमेंट डिस्गाइज होती है और थोड़ी कावर्डली होती है कि फ़र्ज कर लीजिए कि आपका सेक्सुअल टेम्पटेशन है किसी ऐसी हस्ती के साथ जो आपको ममनू है, तो आपको ये ड्रीम नहीं आएगा कि आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो आप जाग पड़ेंगे, ये आ सकता है कि उससे हाथ मिला रहे हैं या उसको उसके कहती मेरे गले में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप कहते हैं अच्छा मुझे कंधे ज़रा दबा देने दो, ये ड्रीम आएगा। ये ड्रीम नहीं आएगा कि आप सेक्स कर रहे हैं। तो ये थोड़ी कावर्डलीनेस ड्रीम में होती है हमेशा, क्योंकि कावर्डलीनेस इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ग्रेटिफाइंग द विश एंड स्टेइंग मॉरल एंड स्टेइंग सेफ फ्रॉम द डेंजर्स। तो ये थ्योरी मेन थ्योरी है, इसको बोलते हैं द विश फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ ड्रीम्स जी। सेकेंड थ्योरी है कि कुछ ड्रीम्स इसलिए आते हैं ताकि हम, अगर हमें बहुत तकलीफ हो गई है किसी बात से और बहुत ट्रामा हो गया है और शॉक लगा है, तो हम उसको ड्रीम में देखें फिर से और फिर से और फिर से और फिर से, ताकि हम उसको मास्टरी कर सकें। ये जिंदगी में भी होता है, जागती जिंदगी में, फ़र्ज़ कर लीजिए अभी हम आप बैठे हुए हैं, ये कुर्सी जो है खुदा न खास्ता जिस पे आप बैठे हैं टूट जाए और आप गिर पड़ें, आप कुर्सी पे आप दूसरी कुर्सी लेंगे बैठेंगे, लेकिन जब ये हमारी आपकी गुफ्तगू ख़त्म होगी तो आप लोगों से कहेंगे अरे यार पता है कुर्सी अजीब टूटी, मैं तो ऐसे गिरा फला फला, फिर घर जाएंगे बेगम साहब से कहेंगे पता क्या वहाँ मैं गया था सलमान साहब के, वहाँ कुर्सी टूट गई, फिर परसों एक आदमी को और बताएंगे, 3-4 बार बताने के बाद आपके दिल से ये बात निकल जाएगी। कार एक्सीडेंट होगा तो 10 बार बताएंगे, हवाई जहाज क्रैश होगा तो 100 बार बताएंगे। ये मैकेनिज्म ड्रीम में भी है कि कभी कभी जब बहुत तकलीफ हो जाती है किसी बात से तो वो ड्रीम बार बार आता है ताकि उसको हम ओवरकम कर सकें, ताकि हम उसको थोड़ा डाइल्यूट डोज में देख के और अपने कंट्रोल में देख के कुछ उसका डिटॉक्सिफाई कर सकें। जैसे ये डिटॉक्स होता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन का या शराब के एडिक्शन का, उसी तरह ट्रॉमा का भी डिटॉक्स होता है ड्रीम में। ये दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी ये है कि जैसे बिजनेसमैन होते हैं, फर्नीचर दुकान है किसी की, या हमारे दोस्त थे उनका बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था खजुराहो, बहुत ज़बरदस्त चलता था एक ज़माने में, तो हम भी वहाँ जाके बैठा करते थे। तो बिजनेस के जो लोग हैं उनको कभी ना कभी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, एक दिन बैठ के ये सोचना पड़ता है भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ख़रीदनी पड़ेंगी, और क्या क्या चीज़ें सप्लाई जो है कम हो गई है, किस किस चीज़ का ऑर्डर करूँ मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसको बोलते हैं टेकिंग स्टॉक, यू नो, असेसिंग वेयर आर वी एट,
बिज़नेस कैसा चल रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ें ये ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है, क्या चीज़ ठीक करानी है, क्या हालत है इस शॉप की, क्या हालत है स्टोरेज की, कौन सी सप्लाई है कौन सी सप्लाई नहीं है। तो ये बिजनेसमैन को तो करना पड़ेगा सूनर लेटर ऑन ए रेगुलर बेसिस। सेम वे माइंड को भी, अपने माइंड को भी हिसाब लेना पड़ता है अपना। तो ये तीसरी थ्योरी है ड्रीम की कि कभी कभी ड्रीम ऐसा आता है जो आपको दिखाता है कि वेयर आर यू एट इन योर लाइफ, आप किस मुकाम पे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके क्या हालात हैं, आपके क्या मुकाम हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी क्या हालत है। ये एक तीसरा स्टॉक टेकिंग ड्रीम्स। चौथी थ्योरी जो ड्रीम्स की है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कभी कभी क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो साइंटिफिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्रिएटिव प्रॉब्लम हो, आप गज़ल लिख रहे हैं पर चला एक शेर के बाद आपसे दूसरा शेर नहीं हो रहा, हालांकि आपने काफियों की लिस्ट बना ली है, आपको पता है कि ये काफ़ी हैं लेकिन मिसरा दुरुस्त नहीं हो रहा। या ये कि बेटे से लड़ाई हो गई, बेटी से लड़ाई हो गई, बीवी से लड़ाई हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करो बीवी को ये बात, या समझ में नहीं आ रहा बेटे को कैसे समझाओ भाई ये मत करो या ये करो। तो प्रॉब्लम है कोई, अब उस प्रॉब्लम पे आप खुद सोचते हैं, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप अपनी बीवी या मियाँ से बात करते हैं, आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ तरीक़े, लेकिन ये सब तो कॉन्शियस होशमंदाना जानबूझ के डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं होता है। दिमाग का एक दूसरा हिस्सा जो अनकॉन्शियस है वो भी अपना काम कर रहा है उसी वक्त, और वो खामोशी से काम कर रहा है। एंड एक दिन क्या होता है कि आप नींद में सोने जाते हैं और वो एकदम से आपको सोल्यूशन जाहिर करता है। एंड यू वेक अप एंड यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू। मैं आपको मसूद साहब बताता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कोई स्टडी नहीं की इस बात पे कि कितने शायरों का ये तजुर्बा है। मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने कोई 7-8 किताबें आप जानते हैं कि उर्दू शायरी की लिखी हैं, उसमें समझ लीजिए अगर कोई 400 गज़लें होंगी कि 400 में से कम कह रहा हूँ मैं 300 या 350 10 मिनट में लिखी हुई, 5 या 10 मिनट में, और वो सब लिखी हुई 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे रात में सोते में से उठ के। वेरी इंटरेस्टिंग। इट कम्स टू मी एग्जैक्टली रेडीमेड, एग्जैक्टली रेडीमेड। आई हैव आल्सो रिटन साइंटिफिक पेपर्स लाइक दैट कि टू गेट अप एंड आई कम डाउन फ्रॉम माय बेडरूम टू स्टडी एंड आई कैन राइट फ्रॉम 2:30 to 4 एंड आई हैव रिटन ए ह्यूज पीस ऑफ सेगमेंट ऑफ दैट। और ये हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, फिजिक्स की हिस्ट्री में बहुत से एग्जांपल्स हैं जो एक तो है कॉन्शियसली सेरेंडिपिटस डिस्कवरी, यू नो पेनिसिलिन की डिस्कवरी बेंजीन रिन की ड्रीम में है, पेनिसिलिन ये जो ग्रेविटी की और हाइड्रोलिक थ्योरी की और पेनिसिलिन की, ये कॉन्शियस सेरेंडिपिटीज हैं, कॉन्शियस इत्तेफाकात हैं। कि इसमें ये भी होता है कि ये इयन मैकेवन नाम के एक साहब हैं ब्रिटिश नॉवलिस्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छा पीस लिखा है, तो अब ये माइक वाइक लगा है तो मैं उठ नहीं सकता हूँ, वरना मैं आपको किताब में है मैं आपको पढ़ के सुनाता कि उन्होंने ये लिखा है कि एक मौसीकार है और उसको कुछ म्यूज़िक बनाने के लिए दिया गया ये सीन। वो कहता है कि उसे मालूम था, कुछ आ ही नहीं रहा दिल में, और उसे ये भी मालूम था कि वो बैठ के पियानो पे बजाने की कोशिश करेगा और सोचने की तो नहीं आएगा, उसको मालूम था कि ही हैव टू गो फॉर ए वॉक एंड मे बी 1 mile 2 miles 5 miles ही हैव टू वॉक, मे बी नॉट 1 time मे बी 2 times एंड ही न्यू दैट जस्ट व्हेन ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट म्यूजिक ही वाज परहैप्स लुकिंग एट अ डॉग और टॉकिंग टू समबडी और लुकिंग एट अ ट्री सडनली द पीस ऑफ म्यूजिक विल कम टू हिम। ही न्यू इट। ये पीस उन्होंने लिखा एक जगह एक अपनी नॉवल में, बहुत खूबसूरत जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो उसी तरह से ये अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं भूल रहा हूँ कि ये निकरागुआ की कहानी है या ग्वाटेमाला, दोनों मुल्क हैं छोटे साउथ अमेरिका में, वहाँ पे एक पुरानी रस्म है
एक डिब्बा मिलता है जिसमें 9 गुड़ियाँ होती हैं, इतनी इतनी बड़ी गुड़िया। और जिस दिन आप बहुत परेशान हो तो वो गुड़िया 9 गुड़ियों को, या 7 होंगी कम वक्त, 7 हैं या 9 पता नहीं, तो वो आप अपने बेड साइड टेबल पर रख दें और जो आपका प्रॉब्लम है उन्हें बताएं कि भाई देखो ये मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ़ दे दी है और जो है मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है, मैं क्या करूँ। फिर सो जाइए, सुबह सलूशन आ जाएगा। दिस इज द फेथ इन अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो गुड़ियाँ तो बाद की बात है, वो तो आपके अंदर हैं। तो ये 4 थ्योरीज हो गई, विश फुलफिलमेंट, मास्टरी ऑफ ट्रॉमा, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे ड्रीम बनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जी। सलमान साहब, जब आप बात कर रहे होते हैं तो इतने सवाल आते हैं जी, और लेकिन जाहिर है वो इंटरप्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस वक्त। अच्छा, एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा होता है उसके ऊपर, देखिए कुछ मिथ्स हैं ड्रीम्स के साथ एसोसिएटेड। क्या आपको ऐसे ड्रीम्स के थ्रू ऐसी चीज़ें भी पता चल जाती हैं जो आपके जहन के किसी खाने में कभी नहीं रही? क्या बाहर से आ जाती हैं या आपके अंदर होती हैं लेकिन कॉन्क्रीट फॉर्म में आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं आई होती? दूसरी बात हाँ, कि आपके अंदर, देखिए हर इंसान के अंदर एक हिस्सा है। ये फ्रॉयड साहब की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, और डिस्कवरी भी इन ए वे ईमानदारी से कहा जाए तो उनकी डिस्कवरी नहीं, उससे पहले भी फिलोसोफर्स को इस बात का पता था, उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइज इसको बहुत अच्छा किया कि देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज माइंड दैट वन डज नॉट नो। आप भी, मैं भी, दूसरा शायद थोड़ा देख सकता है उस हिस्से को, थोड़ा सा, लेकिन आप खुद नहीं देख सकते हैं। तो इसका सबूत क्या है? पहले तो आप, कोई भी आदमी पूछे आपको ये बात कहें तो इसका सबूत क्या है? सबूत है इसका ड्रीम्स, क्योंकि आप तो ड्रीम प्लान नहीं करते, वो कहाँ से आते हैं? सबूत है इसका, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पैरा प्रैक्सिस। पैरा का मतलब है कि पैरेलल टू, प्रैक्सिस का मतलब एक्शन, मीनिंग वो एक्शन जो इसके पैरेलल है जो आप करना चाहते थे। जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपकी बीवी का नाम है रक्षंदा और आप यहाँ पार्टी चल रही है, अपनी बीवी को बुलाना चाहते हैं आपको प्राइवेट में कुछ बात करने के लिए, और कहें भाई फरहाना, अरे सॉरी सॉरी यार रक्षंदा, तो बीवी से तो खैर जो आपके साथ होगा रात में पार्टी से निकलने के बाद, बल्कि जाते वक्त ही कार में ही जो होगा वो तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आपने अपनी बीवी को रक्षंदा के बजाय फरहाना क्यों कहा? या उसका नाम, आपकी बीवी का नाम था वीना और आपने उसको माला को पुकार लिया, ये कैसे, ये क्यों, ये कहाँ से हुआ? दूसरे, छतरी भूल जाते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं छतरी भूल आए, सेल फोन भूल जाते हैं, छतरी भूल जाते हैं, आदमी का नाम भूल जाते हैं। 19 साल का था मैं, एक शादी में गया दो दोस्तों के साथ, तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, तो हम तीनों दोस्त चाहते थे कि ये लड़की हमको टेंशन दे, लेकिन वो लड़की कमबख्त किसी और को टेंशन दे रही थी, जो कि हमें ज़ाहिर इमीडिएटली लगा कि बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, ज़ाहिर ये एनवी की वजह से। इस बात को गुजर गई, 2 साल बाद हम वही तीन दोस्त, दो दोस्त मैं और मेरा एक दोस्त हसन, हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे कि यार 2 साल पहले गए थे ना शादी में, कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की थी वहाँ पे। तो कहता हाँ यार बड़ा बुरा हुआ, वो उस कमबख्त उसके साथ बात कर रही थी। तो मैंने कहा उसका नाम क्या था? अब उसे उसका नाम नहीं याद आया, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो हम नाम क्यों भूल गए उस आदमी, उसको तो अच्छी तरह से जानते थे। नतीजे के तौर पे हम लोगों को इतनी तकलीफ हुई, हमने नाम लिखना शुरू किए कि जितने भी नाम लिख सकते हैं आप बनाइए लिस्ट, मैं बनाता हूँ। कोई 100-100 नाम लिख लिया, उसका नाम ही नहीं आया कमबख्त का। तो हम लोग, ये बात है सन 63 की, 1963, तो हिंदुस्तान में था मैं, तो उस ज़माने में कहाँ फ़ोन वोन मिलते थे, सेल फोन की तो छोड़ दीजिए, पब्लिक फ़ोन बूथ भी नहीं होता था। तो रिक्शे पे बैठ के ट्रेन स्टेशन गए 12 बजे रात में, और तीसरा लड़का थोड़ा अमीर था, उसके घर पे फ़ोन था दिल्ली में, तो जाके रेलवे स्टेशन के पब्लिक फ़ोन से दिल्ली में 12 बजे रात में फ़ोन किया यार उस आदमी का नाम क्या था, तो उस आदमी ने फौरन नाम बताया। तो इतनी जहन को आराम हुआ, उसने बहुत गालियां भी दिया, मैं बहुत नाराज हुआ, रात में सोते में जगाया। लेकिन सवाल ये है, जाहिर है कि एज ए साइको एनालिस्ट तो 2 सवाल हैं, भूले क्यों और जानना क्यों चाहते थे, दोनों बातें हैं। तो आदमी नाम भूल जाता है, आदमी सेल फोन भूल जाता है,
आदमी छतरी भूल जाता है, आदमी गलत पता लिख देता है। कई बार मेरे साथ हुआ, मैं पता लिख रहा हूँ, अभी चेक भेजना है कहीं, तो उसमें जो सेंडर का होता है तो उसमें इस पते के बजाय आपने पुराना पता लिख दिया, तो पता गलत लिख देता है, नाम गलत लिख देता है, नाम गलत बोल देता है। तो ये सब कहाँ से आता है? पैरापैक्सिस, ठीक है ना, पैरापैक्सिस, ड्रीम्स। तीसरे कि आप दाखिल होते हैं एक दफ्तर, जैसे मैं एक कानूनी चक्कर में था तो मुकदमे में, तो मैं अपने वकील के साथ एक और दूसरे आदमी के वकील के से मिलने गया, तो जैसे मैंने दूसरे आदमी को वकील को देखा, मुझे इतना अच्छा लगा हुआ उसकी शक्ल देखते ही, मैंने कहा यार मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई ठीक हुआ नहीं, लेकिन सवाल यह कि ये जज्बा कहाँ से आया कि लव एट फर्स्ट साइट, हेट एट फर्स्ट साइट, ये सब सबूत हैं अनकॉन्शियस के। सही। तो ड्रीम्स जो हैं में हैरान कुन सरप्राइजिंग बात तो हो सकती है, लेकिन वो सरप्राइजिंग जो राज अफशा होगा वो आपके अंदर डोरमेंट था, आपके अनकॉन्शियस में। तो ऐसा नहीं है कि जो बात आपको किसी भी लेवल पे मालूम नहीं वो ड्रीम में किसी तरह से आ जाए। देख लीजिए, आपको आज बता देता हूँ मैं, जैसे आप एक ड्रीम नहीं देख सकते हैं जब तक मैं बोलूंगा नहीं, जब मैंने बोल दिया तो वो देख सकते हैं या ना देख सकते हो, लेकिन इससे पहले जितनी भी आपकी उम्र है, 45 साल, 48 साल या 52, इतने करीब है मेरे ख्याल से, ये रेंज मैंने आपकी उम्र का तय किया है, चलिए 45 से 52 तक, तो इसमें अब तक इस लम्हे तक ये ड्रीम नामुमकिन था आपके लिए। वो ड्रीम ये है कि मेरे खालाजाद भाई थे, अब्बू भाई, उनकी बीवी का नाम था खुर्शीद। खुर्शीद आपा के बारे में आपको कभी ड्रीम नहीं आ सकता था इस लम्हे तक, अब आए ना आए, क्योंकि वो आपके जहन में नहीं है, जहन के बाहर से कैसे ड्रीम आएगा। सही, सही। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जो मिथ्स एंड ड्रीम्स के बारे में, उनमें से एक ये भी है कि कोई ख्वाब में आया और उसने मुझे ये बता दिया या मुझे कह दिया या फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन दे दी, तो उस रेफरेंस से मैं बात कर रहा था, लेकिन जैसा आपने बताया कि इट हैज़ टू बी विद इन यू, अगर आपको ख्वाब देखना है आप उस ख्वाब के मुसन्निफ हैं, आप उस ख्वाब के बनाने वाले, यकीनन यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, वो प्ले जिसने लिखा वो तो आप ही हैं। सही। अच्छा, इसमें देखिए तीन सवाल और बहुत बड़े बड़े हैं। एक, क्या कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो सबको आते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा, क्या कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल है, कि अगर फर्ज कर लीजिए आप देखें ख्वाब में कि आपके लिविंग रूम में एक काली बिल्ली बैठी है, या आप देखें घोड़ा या सांप, या आप देखें हीरे जवाहरात, क्या मैं देखूं काली बिल्ली और घोड़ा और सांप और हीरे जवाहरात, इसका मतलब एक ही है। दूसरा सवाल, सो इज देयर ए यूनिवर्सैलिटी टू सिंबल्स, वन, आर देयर कॉमन ड्रीम्स दैट आर most people have them, you know, and if they are common dreams and how come they are common, you know, ye to sawal jo hain bahut important hai. Aur teesra, can ki khwab mein patient goi hai ya nahi, jisko aap imply kar rahe the ki can dreams predict future. I think ye teen sawal जो है तीनों मुनासिब हैं। जी, तो ये तीनों सवाल जो हैं, इनमें से मैं तो इनमें से कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसे मैं कहूं कि हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एक एक करके तीनों के बारे में अपनी राय। देखिए यूनिवर्सल ड्रीम्स पे ले लेते हैं जी, कि इसमें 7 ड्रीम्स हैं जो कि सब इंसानों को आते हैं। अब सबसे ये मतलब नहीं है कि आपको 7 आएंगे या मुझे 7 आएंगे या हमारी जो इस वक्त छोटी सी ऑडियंस बैठी हुई है इनको 7 आएंगे, 4 आपको आएंगे, 5 मुझे आएंगे, 3 इनको आएंगे, 2 उनको आएंगे, 6 उनको आएंगे, लेकिन इस कमरे में वो 7 ड्रीम्स मौजूद हैं। इसमें ड्रीम्स, 7 ड्रीम्स क्या हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ड्रीम्स। जी, पहला फॉलिंग ड्रीम्स, कि एक ऊंचाई से आदमी गिर रहा है, जी, पहाड़ से गिर रहा है, बिल्डिंग से गिर रहा है, कहीं से सीढ़ी से गिर रहा है, गिरने का ड्रीम, फॉलिंग ड्रीम्स। दूसरा फ्लाइंग ड्रीम्स, क्या हवा में उड़ता चला जा रहा है, इसके बारे में एक और बात बताऊंगा, वहां वहां मुड़ने का ड्रीम, फ्लाइंग ड्रीम्स। तीसरा, दैट वन इज बीइंग चेज्ड, कोई आपके पीछे से भाग रहा है और आप भागना चाहते हो, भाग नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन यू आर बीइंग चेज्ड। तीसरा, चौथा, कि आप कोई इम्तिहान ले रहे हैं
और इम्तिहान में पेंसिल टूट गई है या पेपर गीला हो गया है या घंटी जल्दी बज गई या पेपर ख़त्म नहीं किया आपने, कुछ इम्तिहान का ड्रीम जो कि एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग। चार, पांचवा कि किसी बहुत करीब के आदमी का, भाई बहन माँ बाप मियाँ बीवी बेटा बेटी की मौत का ड्रीम। पांच, छठा कि आप किसी पब्लिक जगह पे हैं और आपने या तो कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हुए हैं या कम कपड़े पहने हुए हैं कि यू आर हाफ नेकेड और फुल्ली नेकेड इन ए पब्लिक स्पेस और लोग देख रहे हैं, बस में हैं आप कोई कपड़े नहीं पहने हुए या हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं कोई कपड़े नहीं पहने हुए। छठा और सातवां कि दांत टूट के हाथ में आ गया। ये सात ड्रीम्स हैं और कमाल की बात क्या है मसूद साहब कि इसमें छह ड्रीम्स के मतलब औरतों और मर्दों, लड़के और लड़कियों में एक ही, सातवें ड्रीम के मतलब लड़कों और लड़कियों में अलग है। ये दांत टूटने का ड्रीम जो है खास तौर पे कि चला चार दांत हाथ में आ गए, पांच दांत हाथ में आ गए, इस ड्रीम के मतलब जो है मर्दों और औरतों में अलग है। बाकी जो पहले ड्रीम्स हैं, एग्जामिनेशन ड्रीम, चेजिंग ड्रीम, बींग चेज ड्रीम, फॉलिंग ड्रीम, डेथ ऑफ ए लव्ड वन ड्रीम, ये ड्रीम के मतलब एक ही हैं सब में। तो ये बड़ी बात है, कमाल की चीज़ है ये। तो ये तो एक था। अच्छा, अब चूंकि इससे पहले कि हम कॉमन सिंबल्स की बात करें, इसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सैलिटी क्यों है इन ड्रीम में, ड्रीम्स में? हाँ, इन ड्रीम्स में तो इसको पहले ये दांतों अलग अलग रखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। ये जो ड्रीम्स हैं जितने, चेस्ट, इनऑप्टिमली ड्रेस्ड, फॉलिंग, फ्लाइंग, एग्जामिनेशन एंड डेथ ऑफ ए लव्ड वन, ये ड्रीम्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी चाइल्डहुड। ये सब बातें हमारे साथ चाइल्डहुड में हो चुकी हैं, इसका मतलब नहीं कि रियलिटी में हो चुकी हैं, कुछ रियलिटी में हो चुकी हैं, कुछ हमारे दिमाग में हो चुकी हैं, हमारी इमेजिनेशन में, हमारी फैंटेसी में। छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो अगर आपने उनको परेशान किया, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे परेशान करेंगे मैं आपको फ़ोन करना बंद कर दूंगा, आपसे टीवी पे कोऑपरेट करना बंद कर दूंगा, मैं ही नहीं चाहूंगा कि आप मर जाएं, ठीक है ना। लेकिन बच्चा जो है वो चाहता है फौरन कि जो आदमी जो ये मर ही जाता तो अच्छा था। तो ये हमारे बॉलीवुड में आजकल तो फिल्में बहुत बेहतर हो गई हैं, पहले फिल्मों में हमेशा ये होता था कि दो आदमी मोहब्बत कर रहे हैं, एक लड़की से, फिर एक आदमी का एक्सीडेंट में, कार के एक्सीडेंट में मर गया, तो आराम से सोल्यूशन हो गया। तो ये तो डेथ विशेस तो बचपन की हैं। फ्लाइंग का एक्सपीरियंस मैं कह रहा था, फ्लाइंग के बारे में एक और बात बताऊंगा। जब फ्लाइंग का, कभी आपने देखा फ्लाइंग का ड्रीम? ऐसा नहीं कि मुझे याद हो। अच्छा, मैंने फ्लाइंग के बहुत से ड्रीम्स इस तरह के, मुझे फ्लाइंग का शौक है जी, नहीं हवाई जहाज में बैठ के फ्लाइंग नहीं, खुद उड़ते हुए चले जा रहे हैं, मुझे याद नहीं है, कभी नहीं देखा? मुझे याद नहीं है, हो सकता है देखा। अच्छा, तो मैंने कई बार देखा कि फ्लाइंग के ड्रीम में कमाल की एक चीज होती है कि आदमी को लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ड्रीम में हैरत नहीं होती आदमी को, फ्लाइंग पे खुशी होती है, हैरत नहीं होती। तो ये देख लें, मौत का ड्रीम देख लें, चेज का ड्रीम देख लें, इन ऑप्टिमली ड्रेस, ये सारी चीजें जो हैं ये बचपन की एंग्जाइटीज के बारे में है, बचपन के एक्सपीरियंसेस के बारे में। क्योंकि देखिए, हर आदमी, यहाँ जो 12-15 लोग बैठे हुए हमारे सामने, सब लोग जो हैं फ्लाई कर चुके हैं, आप भी फ्लाई कर चुके हैं, मैं भी फ्लाई कर चुका हूँ। कैसे? हमारे चचाओं ने, चचा होते हैं इसमें, अंकल्स आर नोटोरियस फॉर दिस, फादर्स एंड अंकल्स, मदर्स डोंट डू दिस शिट, मदर्स आर मोर केयरफुल विद देयर चिल्ड्रन। एक तो बच्चे को उछाल के फेंकना ऐसे हवा में, तो जब बच्चा हवा में उड़ता हुआ जाता है फिर हवा में आता है, वो एक्सपीरियंस जो है प्रोसीजरल मेमोरी में, अनकॉन्शियस मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। फिर बच्चे के हाथ पकड़ करके उसे रोटेट करना, ये सब जो है। तो वी हैव हैड अ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और जब 2-3 साल के थे हम लोग, 3 साल के, 3.5 साल के, तो कोशिश भी हम सब ने की है ऐसे जैकेट वैकेट को करके भाग के शायद उड़ जाएं। और फिर सुना हमारे हिंदुस्तान में देवी देवता ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, आपके इस्लाम में भी फरिश्ते हैं जो उड़ सकते हैं, और जो है फिर फिल्मों में, कहानियों में। तो ये उड़ने की तमन्ना और बीइंग चेज्ड
माँ बाप आप देखें शॉपिंग मॉल में जाएं, 2.5 साल का बच्चा भागता है और हंस रहा है भागता हुआ, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज मसल्स एंड सेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, एंड माँ बाप उसके पीछे पीछे भागते हैं। कपड़े उतारना, बच्चों को आप नहला रहे हैं, 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे को आपने नहलाया और टब से निकाला, वो बच्चा भागेगा नंगा, तो वो आप लोग हॉरिफाइंग होगा, हंसेगा, ये सब होगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं ये बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये 6 ड्रीम्स के जो हैं, और दीज आर रिकलेक्शंस ऑफ रिटर्न टू चाइल्डहुड, एंड दीज ड्रीम्स कम व्हेन वी आर मिसिंग आवर चाइल्डहुड वेरी बैडली, अर्ली चाइल्डहुड वेरी बैडली, यू नो। सो ये तो कॉमन ड्रीम्स हैं जी। और एक जो आपने बताया मुख्तलिफ है, हाँ, टीथ का ड्रीम जो है उसके माने डिफरेंट हैं मर्दों और औरतों में। जितना हम कोई चीज़ 100% तो नहीं होती है ना मेडिसिन में। हमारे प्रोफेसर थे केदारनाथ गौड़, तो या पता नहीं कैलाशनाथ हो, मैं अल्लाह तोबा, केदारनाथ था या कैलाशनाथ, वन ऑफ देम, मोस्ट लाइकली कैलाशनाथ। तो ये चेयरमैन थे मेडिसिन के। पहले दिन जब दाखिल हुए सब लोग लड़के, हम लोग थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट डरे बैठे हुए, तो इन्होंने आके जुमला जो कहा मुझे कभी भूलूंगा नहीं मैं, कहने यू गाइज आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स, नाउ हियर इज द फर्स्ट लेसन ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, नेवर से ऑलवेज एंड ऑलवेज अवॉइड नेवर। ये हमारे हिंदुस्तानी खेल हैं लफ्ज़ों के, बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन दो बना के कही ना। जैसे गालिब ने कहा था कि कहने आप उस मुशायरे में जाते हैं, मैं कभी जाता हूँ और कभी नहीं जाता। ये नहीं कहा कि मैं कभी कभी जाता हूँ, दो अलग फैक्ट्स हैं, मैं कभी जाता हूँ और कभी नहीं जाता हूँ। तो उसी तरह से प्रोफेसर गौड़ ने कहा कि नेवर से ऑलवेज एंड ऑलवेज अवॉइड नेवर, तो उनकी आवाज़ मेरे जहन में आ गई। तो नतीजे के तौर पर मैं ऑलवेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आम तौर पर जो टीथ का ड्रीम है मर्दों में ड्रीम आता है, ये टीथ का ड्रीम, कि जब उन्हें एंग्जाइटी हो कि वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट दे विल नॉट हैव एन इरेक्शन एंड दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग एन इरेक्शन और नॉट बीइंग एबल टू पेनिट्रेट, ये उसका सिंबल है। औरतों में कन्वर्सली लॉस ऑफ टीथ ड्रीम एंड टीथ फॉलिंग आउट हैज टू डू विद द विश टू हैव अ बेबी, बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइड व्हेन योर टीथ आर गॉन यू आर लाइक अ बेबी एंड द बेबी इज नाउ इन यू, so to speak. It's very interesting. ये मतलब ये point out करती है human experience की universality कि हमारे universal dreams जो हैं ये सारे हमारा बचपन सब किसी भी culture के हूँ कहीं के भी हूँ similar है। अच्छा तो ये तो थी पहली बात जो आपने की, जो 3 सवाल थे। दूसरा उसमें से ये था कि symbols जो हैं इनमें क्या, ये क्या है और मतलब इनमें भी कुछ universality है या नहीं है भी और नहीं भी है। यूं कर लेना कि देखिए जाहिर है कि जैसे हमारे एक आयरिश स्टूडेंट थे, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा कोई भाई बहन भी है, कहने एक भाई है। मैंने कहा तुम लोग कैसे हो, व्हाट इज योर रिलेशनशिप एंड हाउ आर द टू ऑफ यू, तो कहते वी आर लाइक चॉक एंड चीज। अच्छा मैंने ये सुना नहीं चॉक एंड चीज, हाँ तो ये मैंने सुना नहीं था कभी। तो मैंने उससे पूछा इसका क्या मतलब, कहते वेरी डिफरेंट, लेकिन वो चला गया। मैं बाद में सोचता रहा कि चौक जो है, अब सोचने है तो इसमें बात निकलेगी, चौक है सख्त, चीज है नर्म, सख्ती और नरमी का फर्क हुआ। चौक इज वर्टिकल, यू नो यू कैन स्टैंड इट, चीज इज हॉरिजॉन्टल। चौक इज फॉर लैंग्वेज, चीज विल क्लोज योर माउथ इफ यू पुट इट इन, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। चौक इज ए मैसेज कन्वेयर, ए प्रॉब्लम सॉल्वर एटसेट्रा एंड एसोसिएटेड इन आर माइंड विद टीचर्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। चीज इज एसोसिएटेड विद मिल्क बटर एंड ईटिंग एंड मदर। सो अल्टीमेटली चौक एंड चीज आर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। नाउ इफ यू अगेन हियर इट अगेन, चौक के लिए मुंह बड़ा खुलता है और लफ्ज के पे खत्म होता है, काफ पे, तो इट कट्स ऑफ, इज अ हार्ड सिलेबल, चीज इट कैन कीप गोइंग। सो लघवी और फोनेटिक आवाज के तौर पे गिनाई, लघवी और गिनाई, यू नो लिटरल एंड फोनेटिक में कहानी छुपी हुई है इंस्टिंक्चुअल। उसी तरह से कुछ ड्रीम्स, कुछ सिंबल्स तो यकीनन थोड़े बहुत यूनिवर्सल होंगे,
कि मतलब अगर आप एक खजूर का पेड़ देख रहे हैं तो अनलाइकली कि वो आपकी माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट लाइकली आपके बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक नहायत आरामदेह कमरा जिसमें मखमल के फर्श हैं, वो शायद माँ की गोद को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत तो ये है कॉमनैलिटी, लेकिन इन कॉमनैलिटीज़ का 100% भरोसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। अब बिल्ली आपके लिए क्या मतलब रखती है, बिल्ली मेरे लिए क्या मतलब रखती है, घोड़ा आपके लिए क्या मतलब रखता है, घोड़ा मेरे लिए क्या मतलब रखता है। तो इस तरह की जो किताबें मिलती हैं ये आपके ग्रोसरी स्टोर्स में, या ये कि हिंदुओं मुसलमानों दोनों में इस तरह की छोटी छोटी रिलीजियस किताबें मिलती हैं, जिसमें कि अगर आपने सांप देखा तो उसका ये मतलब ये है, अगर घोड़ा देखा तो उसका मतलब ये है, इस पर मुझे भरोसा नहीं, दोनों पे, हिंदुओं चाहे मुसलमान। ये यूनिवर्सैलिटी इतनी नहीं है कि एक 100% एक ही मीनिंग हो। आप देख सकते हैं ख्वाब में काली बिल्ली, मैं देख सकता हूँ काली बिल्ली, उसके दोनों के मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जी, सही कुछ हद तक है जी, बहुत हद तक नहीं, बहुत हद तक नहीं। तो ये तो थी दूसरी जी बात, तीसरी बात कौन सी थी? तीसरी बात थी कि पेशन गोई के बारे में, कि कैन ड्रीम्स प्रिडिक्ट सम इवेंट। तो इसमें दो एक्सप्लेनेशंस हैं कि और विद इन साइकोलॉजी, नाउ in parapsychology who knows, that's not my field, you know, so I'm only in psychology and metapsychology, not in parapsychology. So psychology ka matlab ke mujhe kutton se dar lagta hai, aap mujhe khane pe bulaye, mujhe pata chale aapke ghar kutta hai, maine jhoot bol diya, meri tabiyat kharab hai, main nahi aana chahta hu, why did I not go, I had a car, I had hunger, I had appetite, your wife cooks very good food, I wanted to go. There was no motor, physical, actual, economic, anatomical, physiological reason to not go. Why did I not go? Kutte ka dar, khwab. Sorry, psychology. Metapsychology, kutte ka dar kyun hai mujhe? Kab se shuru hua? Kya karega kutta? Kyun ye sochta hu main? Kya wajah hai iski? Kya kutta hai? Kutta hi hai ya kisi aur cheez ka dar isme chupa hua hai kutte mein? Fala, 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 fala. Metapsychology. Parapsychology alag cheez hai. पैरासाइकोलॉजी की जो साइकोलॉजी से बाहर चली जाए, जिसमें कि मजहब, जिसमें कि जादूगरी, जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसका तो मैं माहिर हूँ नहीं, मैं वाकिफ नहीं हूँ उस फील्ड से। तो विद इन माई फील्ड आई कैन से कि अगर ऐसा हो कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने कल रात में यह ख्वाब देखा था कि आप आज मुझसे मिलेंगे, ठीक है, और ये जो 10 लोग बैठे हैं सामने, ये 10 लोग भी होंगे वहाँ पे, तो अब ये पूरा हो गया आपका ख्वाब, तो लगेगा ये तो पेशन गोई हो गई। इसकी दो वजह हैं। एक वजह क्या है कि नंबर एक कि हमारी तमन्ना होती है कि ऐसा हो, जब तमन्ना बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसा होने वाला है कि यू नो सलमान साहब एक ऑड से आदमी हैं और उनको ऐसे मुझसे 1-to-1 गुफ्तगू करने में शर्म भी आती है, हिचकिचाते हैं, इसलिए और दोस्तों को भी बुला लेते हैं हमेशा। तो ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो कि शायद और लोग भी हों वहाँ पे। अब आप मेरे दोस्तों के सर्कल को जानते हैं कौन होंगे, तो उसमें से आपने सोचा या ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे, पर चला 6 आदमी सोचे थे उसमें से 4 यहाँ बैठे हुए। तो इसमें एक तो ये वजह है कि देयर इज़ ए प्री एक्सपेक्टेशन, सो देन यू सी द ड्रीम, बट वो एक्सपेक्टेशन तो पहले से थी, अब आपको रियलिटी में मिली, बीच में आपने ड्रीम देख लिया अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, सही। एक दूसरा उल्टा है कि आपका एक प्रॉब्लम था, अब बात हुई वो गन्ने वाले ड्रीम की, कि आपको गुलाब जामुन खाने थे, आपने गुलाब जामुन नहीं खाए, तमन्ना रही, ख्वाब देखा कि आपके दोस्त भरत साहब जो हैं वो खा रहे हैं गन्ने या वो खा रहे हैं बर्फी बैठे हुए, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है कि आप भरत साहब के लिए बर्फी लेके जाएं सुबह उठ के, और भरत साहब कहें नहीं भाई मैं तो खाऊंगा जरूर, लेकिन इसमें से एक टुकड़ा आप भी लीजिए, तो ये पेशेंट कोई पैदा हुई। तो इसमें ये होता है कि जो ड्रीम है इट ऑलरेडी प्रोवाइड्स ए लिटिल बिट पैलेटेबल वर्जन ऑफ द विश, कन्फ्लिक्टेड विश, एंड देयरफॉर इट कैन बी एक्टेड आउट। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखिए आमतौर पर जिंदगी में आप देखते होंगे अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी आदमी के बारे में सोच रहे हैं। अब एक आदमी है, मेरा दोस्त है, उसका नाम है सुनील
खुश लानी। बाल्टीमोर में रहते थे, अब मूव कर रहे हैं न्यू जर्सी में। कल परसों से मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में, और सोच रहा हूँ कि फ़ोन करूँगा उन्हें, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई। अच्छे आदमी, ये मुमकिन है कि आज रात में या कल सुबह उनका फ़ोन आ जाए, ये मुमकिन है। तो ये क्यों होता है? ये होता है हर आदमी के साथ, ये आपको होगा, ये इसलिए होता है कि हमारा हर रिश्ता, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो आशिक माशूका का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, बीवी का हो, मियाँ का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, कोई भी रिश्ता, एट द बॉटम इज ए मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि दैट्स आर प्रोटोटाइप। उसी उसको कहते हैं रिलेशनशिप, जहाँ से हमने रिलेशनशिप सीखी है, माँ और बच्चा। तो सुनील खुशलानी एक मेरा बच्चा है, और मैं उसकी माँ हूँ, और मैं उसे मिस कर रहा हूँ। लेकिन सुनील खुशलानी भी मेरी माँ है, और मैं उसका बच्चा हूँ। तो नतीजे के तौर पे माँ जब बच्चे को काफी देर तक नहीं देखती है, तो ढूंढती है बच्चा कहाँ गया, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा उसे, वो देखेगा मुझे, और इससे ये इत्तेफाक पैदा होगा। तो इसमें कोई जादू नहीं है, इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड मेटासाइकोलॉजिकल, नॉट ए पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना, इट्स ए मेटासाइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो उसी तरह से ड्रीम की पेशन गोई के बारे में, आमतौर पे वो विश ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है एंड एक्टेड आउट पॉसिबल है उसकी। तो अच्छा, ये मुमकिन है कि वो चीज़ें जिन आपने एक्चुअली इसके ऊपर वो इंडिकेट भी किया, वो चीज़ें जिनका कुछ अंदाज़ा है कि ये हो सकती हैं, लेकिन एक्नॉलेज करना आपके लिए मुश्किल है अपने लिए, वो आपको ड्रीम में सामने आ थोड़ी साफ, थोड़ी एक्सेप्टेबल रूप में, फिर उस पे आप एक्ट भी कर सकते हैं। तो अच्छा, तो फिर लगेगा कि ड्रीम पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, एक बात मैं वापस जाके बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो ड्रीम आता है ना कि भाई की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई, बहन की डेथ हो गई, मियाँ की डेथ हो गई, बीवी की डेथ हो गई, ये ड्रीम कभी भी आज के बारे में नहीं है। कि सपोज कीजिए कि मैं आपका सगा भाई हूँ, और आपको आज रात में ड्रीम आता है कि मेरी मौत हो गई, ये इसलिए नहीं है कि आप यू विश मी डेड टुडे, no, not at all, it's never about that, it is about that for some other reason your childhood wish to have me dead became awakened. That's how it is. So that is the important part. Same way examination dream kabhi ek bar bhi kisi aadmi ko us exam ke bare mein nahi aata jo use lena hai, us exam ke bare mein aata hai jo wo pass kar chuka hai. मैं आज तक अक्सर MBBS के एग्जाम देख के डर जाता हूँ रात में, अरे यार मैं तो फेल होना वाला हूँ, सेकंड ईयर सेकंड सप्लीमेंट वट एवर प्रोफेशनल एग्जाम है जी। फिर सुबह उठ के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र यार, मैं तो कब तक अमेरिका स्कूल पास कर लिया। एग्जाम ड्रीम इज ऑलवेज अबाउट एग्जाम यू हैव पास्ड, हाई स्कूल कॉलेज जो आप कर चुके हैं, कभी भी उसके नहीं है जो आने वाला है। तो ये भी बातें हैं, उसके भी मतलब हैं सर। तो मेरे ख्याल से काफी बातें कर ली, अब एक दो शेर सुना देते हैं। एक दो चीजें हैं, वो होगा क्या कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें लगेगा कि हमने कुछ चीजों को टच नहीं किया। मुख्तसरन एक दो और चीजों के बारे में, देखने वालों और सुनने वालों में फर्क रखिएगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है आपने। तो अच्छा, एक तो ये कि जाहिर है इसका जवाब तो ऑब्वियस है, लेकिन क्या आप, कैन यू मेक योरसेल्फ ड्रीम समथिंग, क्या आप ये कर सकते हैं कि आपको वो ख्वाब आए जो आप देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ जो है फिल्मों में हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, यू डोंट हैव कंट्रोल। लेकिन जो अगर कोई, जैसा आपने पहले बताया था कि कोई बहुत इमोशनली लेडन कंटेंट है ऐसा, हाँ, तो वो आएगा, लेकिन वो भी आपके बस में, आपके कहने पे। ठीक है, इसमें रिपीटेड ड्रीम भी होते हैं, ये भी कर, रिकरेंट ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स आदमी को बार 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 आते रहते हैं जिंदगी भर, वो ड्रीम रिलेटेड है कोई पर्टिकुलर ट्रॉमा से, और जिसमें वो ट्रॉमा स्टिल सॉल्व नहीं हुआ है, पर्सन स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अच्छा, और पिवट कर रहा हूँ, टॉपिक को बदल रहा हूँ, ये हम सुनते हैं जो मिथ्स एंड ड्रीम्स के साथ एसोसिएटेड, उनमें से एक ये भी है कि लोग कहते हैं कि कोई रिलीजियस फिगर, यू नो, खुदा आ गया या प्रॉफिट उनके ड्रीम्स में आए, तो उसकी उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखिए, मैं कोई बहुत रिलीजियस, अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो, एक तो आउटराइट मैनिपुलेशन हो सकता है, वो तो नहीं है। नहीं, कि मैं बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, तो ये टॉपिक वैसे भी
ख़तरनाक है आजकल किसी भी मज़हब के बारे में बात करना, और मैं वाकिफ़ भी मज़हब से कम हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ ना कहूँ तो बेहतर है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि उस ड्रीम को किसी और ड्रीम से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। सही, उस ड्रीम के भी अब रिलीजियस फिगर आपने देख लिया, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, राम, सीता, भगवान कृष्ण, तो उसके पीछे आपकी नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, कि जैसे कि आप बाप के बजाय प्रॉफिट्स को देख सकते हैं या प्रॉफिट्स के बजाय बाप को देख सकते हैं, ये तो माइंड में डिस्प्लेसमेंट होते हैं। वो बोला था ना मैंने, लेटेंट ड्रीम और मैनिफेस्ट ड्रीम के बीच में ड्रीम वर्क है, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। ड्रीम वर्क में तीन चीज़ें हैं, एक सिम्बलिज्म, एक कॉन्डेंसेशन, कि जैसे कोई आदमी जो कभी यहाँ आया नहीं है फिलाडेल्फिया में, जो आदमी कानपुर में रहता मैं देखूँ यहाँ बैठा हुआ, दैट्स कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। या एक मेरे बचपन के का जो दोस्त था वो 5 साल की उम्र में या लिविंग रूम में बैठा हुआ, वो 5 साल का है, तो ये कैसे हो सकता है, मुख्तलिफ टाइम बढ़ गए। तो सिम्बलिज्म, कॉन्डेंसेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बजाय कि मैं आपसे गुस्सा हूँ आपको से बजाय मैंने ड्रीम में देखा कि मैं भरत साहब से झगड़ा कर रहा हूँ बजाय आपके, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, कॉन्डेंसेशन एंड सिम्बलिज्म, ये तीन जो है लेटेंट ड्रीम को कन्वर्ट करते हैं मैनिफेस्ट ड्रीम में। सही जी, सही। अच्छा सलमान साहब, क्या हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ख्वाबों पे? यकीनन, यू नो कि क्योंकि ख्वाब को यूँ समझ लें कि जैसे पुराने ज़माने में एक चीज़ थी ना कि बोतल में रखा हुआ मैसेज समंदर से निकल के आता है, तो ये योर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड इज सेंडिंग यू समथिंग, सेंडिंग यू अ मैसेज, तो उसको सोचें, उसको डिसाइफर करें, तो उसके बाद आपको अपने बारे में पता चलेगा। भाई घर खरीदा आपने, उसमें 3 कमरे बंद हैं, हमेशा से ताला लगा है, तो अगर एक कमरे में दरवाजे में मैं थोड़ा सा छेद कर दूं तो देखना देखना तो चाहिए ना अंदर क्या है, अपने आप को जानने के लिए। हाँ, ये एक अच्छा व्हीकल है। सही, तो खत्म करने से पहले 2 सवाल और। एक तो ये कि ड्रीम क्या इसकी कंटिन्यूएशन हो सकती है, कि आप एक ख्वाब देखने में जाग जाएं उसके बाद दोबारा सोएं और वही ख्वाब दोबारा स्टार्ट हो जाए? न सिर्फ ये हो सकता है, ये होता है। क्योंकि क्या बात है कि देखिए 4 ड्रीम हर आदमी को आते हैं हर रात, ये तो फिजियोलॉजिकली एस्टैब्लिश बात है, वो 4 ड्रीम एक ही चीज के बारे में, लेकिन डिस्गाइज इज डिफरेंट, तो लगता है कि ये ड्रीम और ये ड्रीम और ये ड्रीम मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर डिस्गाइज कम हो जाए तो कंटिन्यूटी एविडेंट हो जाती है। ये सिर्फ बात है, गजल नज्म में तब्दील हो जाती है, यूं कह सकते हैं। ये अच्छी बात कही, ये मजे की, खुद मुझे पसंद आई ये बात, कभी कभी मैं भी अच्छी बातें कर लेता हूँ। गजल नज्म में तब्दील हो जाए कि वो उसमें डिस्गाइज अगर कम हो, क्योंकि ड्रीम तो चारों एक ही होते हैं हर रात में, लेकिन डिस्गाइज मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये यकीनन है पॉसिबल है कि कंटिन्यूस ड्रीम हो, और अक्सर होते हैं, अक्सर होते हैं, और अक्सर आप चाहते हैं कि हो और नहीं होता, ये भी होता है, क्योंकि उसमें दूसरे में डिस्गाइज ज्यादा है, क्योंकि आप चाहते इतना है इसलिए आप उसको कवर करना पड़ेगा, और भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा इस हद तक कि शायद वो लगे ही नहीं उस टाइम। यकीन। अच्छा, जो लोग ये, आपने पहले एक बात की थी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें ख्वाब आते ही नहीं है। नहीं, देखिए ख्वाब तो सबको आते हैं, ये तो इसमें साइंटिफिक स्टडी 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हर आदमी 4 बार ड्रीम करता है रोज रात में, अगर कम सोया तो 3 बार, जब भी आरियम में जाएगा तो ड्रीम तो आएगा, तो ड्रीम तो सबको आते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग याद नहीं रखते हैं। अब इस बात को एक मिनट के लिए इधर रख के एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप अपने बिस्तर में न सोएं, अपने घर न सोएं, आज रात मेरे घर में रह जाएं आप, आपको ज़्यादा ड्रीम आएंगे। एक बात, अगर आप एक रात के लिए प्लेन में अटक गए हों और आपको एयरपोर्ट में के ही होटल में सोना पड़े, और आप 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में सोने गए और 6 बजे, आपको बहुत ड्रीम आएंगे। तो ये बात नहीं है कि आपको, या आपको खांसी हो या बुखार हो तो आपको ज़्यादा ड्रीम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ड्रीम लगता है कि अजनबी घर में, अजनबी बिस्तर में, बुखार में, खांसी में ज़्यादा ड्रीम आते हैं, ज़्यादा ड्रीम नहीं आते हैं, उतने ही ड्रीम आते हैं जितने रोज़ आते थे, लेकिन चूंकि स्लीप इंटरप्ट होती है तो वो ड्रीम रजिस्टर हो जाता है माइंड में, आदमी याद ज़्यादा रख सकता है। सही, उसी तरह से वो लोग जो कहते हैं कि जिन्हें ड्रीम कभी आते ही नहीं हैं, उनके अंदर बहुत सख्त एक पर्दा है जो अपने जहन के कुछ हिस्सों को देखना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, तो वो उसको दबा देता है फिर।
जिसने ख्वाहिशात को दबाया था वो ख्वाहिशात के सलूशन को भी दबा देता है, तो इसलिए वो ड्रीम को भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। सलमान साहब, ये जो नाइटमेयर्स हैं, डरावने ख्वाब हैं जी, एक बात, और ये भी हो सकता है, एक तो ये सख्ती जो है ज़मीर की, और ये भी होता है कि कुछ ख़ानदानों में और कुछ कल्चर्स में ये इनटेंजिबल बातों के बारे में सोचने में वक्त ज़ाया करने को इनक्रेज नहीं करते, तो कि वो आपको इनक्रेज करें कि आप पोइट्री पढ़ें या शायरी या म्यूज़िक या गाना या कहानियाँ या बचपन में चंदा मामा और यू नो खिलौना, उनकी खेल खिलौने कहानियाँ, कुछ फैमिलीज कुछ कल्चर्स कुछ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एट्सेट्रा डू नॉट इनक्रेज दैट एंड देयर फोर द कैपेसिटी टू रिमेंबर ड्रीम्स ऑल्सो कैन डिमिनिश कल्चरली। सही अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें डरावने ख्वाब आते हैं बहुत ज़्यादा, नाइटमेयर्स आते हैं, मैं वो जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना नाइट टेरर्स है उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स आते हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, नाइटमेयर इज लाइक ए फेल्ड ड्रीम, जैसे बुरा शेर होता है ना, तो बुरे शेर में आदमी कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो जैसे फ्रॉयड ने कहा एस्थेटिक ब्राइब, उसमें एस्थेटिक ब्राइब कम है, तो नतीजे के पे वो जबान से बाहर है, या ये कि वो रकीक है, या वो बेमाने है, या बहुत सुपरफिशियल है, तो कुछ चीज़ उसमें फेल हो गई है। उसी तरह से नाइटमेयर इज ए फेल्ड ड्रीम इन विच द विश एंड द पनिशमेंट द फोर्सेस दैट वर प्रोहिबिटिंग द विश आर नॉट एडिक्वेटली एंड वेल सिंथेसाइज्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड, नंबर वन। नंबर टू, मेनी टाइम्स ए नाइटमेयर रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट हैज एक्चुअली हैपन्ड, most nightmares also post-traumatic, so some element of nightmare is truth also. इसमें एक और बात चली अभी आखिर में कि ये है कि नंबर जब होते हैं ड्रीम में वो हमेशा ट्रू होते हैं। अगर आप देखेंगे, आप ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में आप एक सड़क के सामने से जा रहे हैं, वो आपने देखा वहाँ मकान नंबर 524 524 जो है जब आप 4 साल के थे तो आपको 52 साल के एक आदमी ने सेक्सुअली अब्यूज किया था। डू यू सी, आई जस्ट मेड दिस अप, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस थिंग्स हैपन इन द ड्रीम। 524, डू यू सी, एंड द वर्ड टू इज यूज एज TWO एंड ऑल्सो TO. So that's how the dreams are constructed. It's a huge computer. Now अब तो artificial intelligence उसकी भी बाप बनती जा रही है, लेकिन ये इसे brain is a huge computer. It picks up things and puts them together and such. एक ख्वाब मैं अपना बता देता हूँ आपको जी। मैं ईरान गया, तेहरान पहुँचा, कुछ लोग मुझे होटल में वहाँ एयरपोर्ट पर लेने आए, मुझे ले गए, वहाँ पर मैंने साइन किया रजिस्टर पे, पासपोर्ट दिया, सब कुछ, तो मैंने देखा वहाँ इतनी बड़ी तस्वीर इमाम खुमैनी की लगी थी रिसेप्शन पे। खैर, मैंने कहा जाने दो। उसके बाद वो मुझे छोड़ के गए, मैं एलिवेटर में गया, एलिवेटर में एक इमाम खुमैनी की तस्वीर थी, तो मैंने कहा या अल्लाह, तो मैं होटल में चला गया अपने कमरे में। फिर मैंने सोचा एक ग्लास वाइन का पिया जाए, जब लोग जा चुके थे, तो मैं नीचे आया, मैं होटल में के रेस्टोरेंट में गया, वहाँ एक बार बना हुआ था, तो मैं जाके स्टूल पे बैठा और मैंने एक ग्लास वाइन की, तो उनका साहब वाइन तो है नहीं, ऑरेंज जूस या एप्पल जूस पी सकते हैं आप या अनन्नास का जूस, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, आई वुड हैव लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाइन। उस रात मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया, मुझे ख्वाब ये आया कि फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के सामने ऐसे सर्कुलर रोड है, उस पर एक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक नेफ्रोलॉजिस्ट कार चला रहा है, जो जेफरसन में काम करता है, मैं जानता हूँ उसे, रियल लाइफ में जानता हूँ, वो कार चला रहा है, लेकिन वो ट्रैफिक ऐसे जा रहा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड ही इज़ वेरी ड्रंक, एंड आई थिंक ही विल गेट किल्ड, सो आई रन टू हिम एंड आई से प्लीज लेट मी टेक ओवर driving, you move this side, I'll drive the car, you'll get killed. He said, no, you want to save me, sit next to me and
and what is the word? अरे कहते हैं ना रास्ता बताओ, नेविगेट, हाँ तो मुझे नेविगेट करो. तो खैर अब मुझे डर है कि यार मैं बैठूँगी तो ड्रंक आदमी है तो मार देगा गाड़ी कहीं. फिर मैं बैठ गया, उसकी जान बचानी थी मुझे. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो हल्के हल्के 5 मील 2 मील के रफ्तार से चलो, टर्न करो टर्न करो टर्न करो टर्न करो, ऐसे करके द कार कम्स बैक इन द प्रॉपर वे. दैट वॉज द ड्रीम. अब इस ड्रीम के पीछे आप देखिए, सोचिए, मैंने आपको क्या बताया दिन में क्या हुआ था. जब दिन में नहीं, मतलब 1 घंटा पहले सोने से पहले, एक 2 जगह मुझे खुमैनी की तस्वीर दिखाई दी थी जिससे मैं थोड़ा जुजबुज हुआ था, माफ़ कीजिएगा. दूसरे कि मैं वाइन पीने गया, मेरी तमन्ना थी और वहाँ वाइन नहीं थी, प्रोहिबिटेड, पब्लिकली प्रोहिबिटेड कंट्री, बाद में सब पीते हैं. मुझे बाद में 2-3 दिन के बाद सब दोस्तों के घर पर शराब थी. तो वो डिसअपॉइंटमेंट. अब ड्रीम देखिए, ड्रीम में एक काले रंग का आदमी, वो गोरे ईरानियों से मुख्तलिफ मैं, ठीक है ना, डार्क स्किन, नेफ्रोलॉजिस्ट. क्यों? क्योंकि मेरे अगर दुनिया में 4-5 बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत उम्दा आदमी, शरीफ आदमी मेरे दोस्त हैं और बहुत मेरी उनसे दोस्ती है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, उनका नाम है, नाम तो नहीं लूँगा, खैर शिकागो में नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डार्क स्किन, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है ना. तो अब ये आदमी जेफरसन में काम करता है, वो आदमी मेरा बचपन का क्लासमेट है मेडिकल स्कूल का. तो ये दोनों इमेजेस मैं ही मुझको रिप्रेजेंट कर सकती हैं. तो मैं वो भी हूँ जो मैं बचा रहा हूँ और मैं वो भी हूँ जो कार चला रहा हूँ. और वो क्या किए हुए है आदमी, उल्टी तरफ, और नहीं क्या, क्यों क्यों, शराब पिए हुए, शराब पिए हुए. मैं क्या चाहता था और मुझे क्या खतरा था जो कि मैं कुछ खुमैनी साहब के बारे में बोल दूं गलती से, या मैं कहूंगा नहीं मुझे तो शराब जरूर पीनी है, तो पता चला दोनों चीजें मुझे ईरान के जेल में बंद करवा देती. तो ये ड्रीम उसका सलूशन है उन प्रॉब्लम्स का. देख रहे ना, इस तरह से ड्रीम बनते हैं, इस तरह से. हाँ, तो अब अपनी पसंद के ड्रीम से रिलेटेड 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको. पहले तो गालिब, गालिब से सुनना चाहिए, बल्कि गालिब से पहले मीर. लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे, लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे, है खैर मीर साहब क्या कोई ख्वाब देखा. ये मीर का शेर. गालिब का शेर है कि था ख्वाब में ख्याल को कुछ तुझसे मामला, इन द ड्रीम माई फैंटसी माई थॉट्स माई इमेजिनेशन वर कनेक्टेड विद यू. था ख्वाब में ख्याल को कुछ तुझसे मामला, जब आँख खुल गई तो जियाँ था न सूद था, एंड व्हेन आई वोक अप देयर वाज नो गेन नो लॉस देयर वाज नथिंग. वी एक्चुअली डिडंट हैव मच मच टू डू विद ईच अदर इन द ड्रीम. था ख्वाब में ख्याल को कुछ तुझसे मामला, जब आँख खुल गई तो जियाँ था न सूद था. उसके बाद और नीचे आए तो नए शायरों में अलीगढ़ में बड़े अच्छे शायर थे, खलीलुर रहमान आज़मी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का शेर है कि सोते सोते जाग पड़े हम ख्वाब में हमने क्या देखा, सोते सोते जाग पड़े हम ख्वाब में हमने क्या देखा, जो खुद हमको ढूंढ रहा हो ऐसा एक रास्ता देखा. फिर मेरे भाई का बड़ा अच्छा शेर है और यंग पोइट्स में कि यही कि उससे पहले मेरे फादर का शेर है कि सुबह की आस किसी लम्हा जो घट जाती है, सुबह की आस किसी लम्हा जो घट जाती है, जिंदगी सहम के ख्वाबों से लिपट जाती है. जिंदगी सहम के ख्वाबों से लिपट जाती है. भाई का शेर है कि ख्वाब के गांव में पले हैं हम, ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं, पानी छलनी में ले चले हैं. और मैं फिर अपने 2-1 शेर सुनाता हूँ कि ख्वाबों के आसरे पे बहुत दिन रहे हो तुम, ख्वाबों के आसरे पे बहुत दिन रहे हो तुम, शायद यही सबब है कि तन्हा रहे हो तुम, शायद यही सबब है. और कि ख्वाबों से अगर रिश्ता तोड़ें तब शायद कुछ बात बने, दिल की बातें सुनना छोड़ें तब शायद कुछ बात बने.
और एक आखिरी शेर कि मैं अगर ख्वाब में भटकता हूँ, मैं अगर ख्वाब में भटकता हूँ फिर ये बिस्तर पे सो रहा है कौन। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।